Children, how are you? I think you are fine. If not, then I'm sure that after watching this video, you will get fine and some knowledge also regarding the chapter 2 of class 6. The name of the chapter is Element, Compound and Mixtures. Okay? So, chapter start करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, एक general knowledge देना चाहूँगा इसके बारे में. देखिए, हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत से मटेरियल्स होते हैं. पेंसिल ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए, सैंड ले लीजिए, वाटर, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एयर्स, बहुत सी चीज़ें. ये सभी क्या है? मटेरियल है. और ये अलग अलग तरीके के मटेरियल्स से मिल के बनी हुई है, ठीक है? और वो मटेरियल जिनसे ये मिल के बनी है, उसके अंदर एटम हो सकता है, आयन हो सकती है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर ही कि मतलब उसमें कितने एटम्स हैं, कितने आयंस हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उस बेसिस पे ही इस मटेरियल को डिवाइड किया गया है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स में. ओके, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से. देखिए, ये एक चार्ट बना हुआ है जहाँ पर लिखा है द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ में एलिमेंट का कंपोजिशन क्या क्या है, यानी किस परसेंटेज में अर्थ के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं. देखिए, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा देखा रखा है 46.5, सिलिकॉन का 28, एल्यूमिनियम का 8.1, आयरन का 5.1, कैल्शियम का 3.5, सोडियम का 3.0, पोटेशियम का 2.5, मैग्नीशियम का 2.2 और बाकी के बचे हुए जो 1.1 में आते हैं, बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो 1.1 में आते हैं, ठीक है? अब पढ़ते हैं एलिमेंट होता क्या है. एलिमेंट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल एटम से, यानी कि एक ही जैसे एटम से मिलके बने होते हैं. जैसे एग्जांपल है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सल्फर, आयोडीन एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, ठीक है? फिर अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड किया गया है. तो एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला मेटल्स है, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटोलाइट्स और फोर्थ इनर्ट गैसेस. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे मेटल्स के बारे में. मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, यानी कि चमकीले, हार्ड होते हैं, मैलेबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि अभी अगर हम लोग लोहा लें और उसके ऊपर 2 तार डाल दें, तो जिस साइड तार डालें उसके अलावा अगर दूसरे एंड को हम टच करते हैं तो उसके अंदर हमें करंट महसूस होगा. और अगर हम एक साइड लोहे को गर्म करें और बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ को यूज़ किए अगर हम उसको दूसरी तरफ टच करें तो वो उस साइड भी हमें गर्म ही महसूस होता है. तो कह सकते हैं कि जो मेटल्स वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़कर, क्योंकि वो लिक्विड होती है. आप थर्मामीटर में देख सकते हैं, एक रेड रेड कलर का एलिमेंट उसमें भरा होता है, उसी को मरकरी बोलते हैं. और अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, जिसके नाम है कुछ इस प्रकार: गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, लेड एंड कैल्शियम. ये सारे हमारे मेटल्स ही हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. नॉन मेटल्स मेटल्स के एकदम जस्ट अपोजिट होते हैं. ये डल होते हैं, यानी कि मेटल्स शाइनी होते हैं तो ये डल होते हैं. ये लोग लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको नॉन मेटल्स कहा जाता है. ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो सकते हैं या गैसेस में भी हो सकते हैं. और ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं और इनको कूट कूट के वायर्स में या पतले सीट्स नहीं बनाई जा सकती इनकी. जबकि लोहे को अगर गर्म किया जाए तो कूट कूट के उसको पतला किया जा सकता है, इसलिए वो मेटल्स में आता है. बट यहाँ पर इनको कूट कूट के पतला नहीं किया जा सकता या इन्हें लंबे तार में नहीं बनाया खींचा जा सकता है, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, देख लीजिए आप: कार्बन, सल्फर, ब्रोमाइन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन. ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें डिफरेंस और बताया गया है इनके बारे में. मेटेलिक लस्चर प्रॉपर्टी, मेटल्स में साइनी होती है और नॉन मेटल्स में डल होते हैं. डेंसिटी, मेटल्स की हाई होती है, नॉन मेटल्स की लो होती है. मेलेबिलिटी,
मेटल्स में मेलेबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें तो गुड कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं और बैड कंडक्टर्स नॉन मेटल्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स में दोनों ही हाई होते हैं और नॉन मेटल्स में दोनों ही लो होते हैं। साउंड की बात करें तो मेटल्स में अच्छा ट्रैवल करता है और नॉन मेटल्स में ट्रैवल ही नहीं करता। स्टेट की बात करें तो सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं सिर्फ मर्करी और गैलीलियम को छोड़कर। नॉन मेटल्स की बात करें तो वो सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकते हैं। फिर आती है मेटलॉइड्स यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए डेफिनेशन भी लिखी है, मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज़ फॉल बिटवीन दैट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जिनकी प्रॉपर्टीज़ फॉल करती हैं उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। उसके एग्जांपल कुछ इस प्रकार हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एनीटोमी एंड विस्मिथ। ओके, फिर आते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वो होती हैं जो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती। जैसे अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिला तो ये रिएक्शन करके H2O यानी कि वाटर बना लेता है, बट नोबल गैसेस को किसी के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते। ठीक है, और ये जो होती है हमारी एयर में होती हैं। एग्जाम्पल है इसका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, इसके सिंबल्स आप अभी आगे आपके पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर आते हैं सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सिंबल देने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो सिंबल देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा नाम ना हो और हमें कोई बुलाए, लंबा चौड़ा नाम हो, जैसे मोदी का नाम है नरेंद्र सिंह दामोदर दास मोदी, इतना बड़ा नाम है, शॉर्ट में लोग क्या बुलाते हैं, मोदी कहते हैं। वैसे ही एलिमेंट्स के बहुत बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोमाइन, तो ब्रोमाइन को अगर हम Br2 बोले तो वो ज़्यादा आसान होगा। तो इसीलिए हम लोग सिंबल्स की मतलब इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ी ताकि हम उसको शॉर्ट में याद कर सकें। तो फिर यहाँ पर देखते हैं इसका जो नाम जिसने इसका नामकरण किया वो पहले आदमी थे जॉन जैकब ब्रेलियस, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इमेज दी हुई है। ये स्वीडिश के केमिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स का एक सिस्टम बनाया था। ठीक है, और इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को भी फाउंड किया था। अब बट आज के समय पे IUPAC चल रहा है जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा जाता है, वही आजकल नामकरण करता है और वही उनके एलिमेंट्स के नाम देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, देखिए मैं पढ़ता हूँ इसको। द सिंबल्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ देयर इंग्लिश नेम्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज डिनोटेड बाई O, हीलियम इज डिनोटेड बाई HE। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इज सेम, द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाई टू लेटर्स, दैट इज द फर्स्ट लेटर फॉलोड बाई अनदर लेटर विच इज़ नॉट कॉमन। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर सच एलिमेंट्स उस फर्स्ट लेटर इज सेम, यानी कि यहाँ पर लिखा गया ऑक्सीजन को हम उससे डिनोट करते हैं, हीलियम को HE से, बट हाइड्रोजन और हीलियम में दोनों ही में H है आगे, इसलिए हम सेकेंड लेटर भी यूज़ करते हैं जो दोनों में कॉमन ना हो। तो H हाइड्रोजन को H लिखते हैं और हीलियम को HE से लिखते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर ड्राइव फ्रॉम लैटिन नेम्स, कि कुछ के नाम पुराने नामों से भी लिए गए हैं। जैसे कॉपर को कप्रम से लिया गया जिसका नाम CU होता है, वैसे कॉपर को लिखते हैं तो C लिखते हैं, बट यहाँ कप्रम इसके दो लेटर्स हैं तो CU लिखा। ठीक है, और कॉपर को C नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं और इनके यहाँ पर फॉर्मूले दिए हैं। ब्रोमाइन को Br2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2, फ्लोरीन को F2, हाइड्रोजन को H2, हाइड्रोजन को I2, नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन को O2, ओजोन को O3, फॉस्फोरस को P4 और सल्फर को S8। ठीक है, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट लाइक O2, N2 एक्सेट्रा, यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एलिमेंट के सेम एटम के ही हो सकते हैं। ये नहीं एक हाइड्रोजन ले लिया एक ऑक्सीजन ले लिया, ये मॉलिक्यूल नहीं है। O प्लस O जब O2 बनाएगा तो ये मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल दी हुई है, और पीरियोडिक टेबल में इस साइड को अगर हम जाते हैं तो ग्रुप्स कहलाता है और नीचे की तरफ आते हैं तो पीरियड्स कहलाता है। हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आगे चल के पढ़ेंगे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये ब्लॉक भी होता है।
बट अभी आप यहाँ पर सिर्फ आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये दो अलग दिए हुए हैं, इनको लेंथेनॉइड बोलते हैं और एस्टेनॉइड बोलते हैं। ये इनको अलग इसलिए रखा गया क्योंकि ये इतने रिएक्टिव हैं कि इनकी लाइफ ही 30 सेकेंड की होती है मुश्किल से। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जो हमारी टेबल में 20 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के सीरियल में, उनके बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन को हम एच से डिनोट करते हैं, हीलियम को एच ई से डिनोट करते हैं, लिथियम को एल आई से डिनोट करते हैं, बेरेलियम को बी ई से करते हैं, बोरॉन को बी से डिनोट करते हैं, कार्बन को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को कैपिटल ओ, फ्लोरीन को कैपिटल एफ, नियॉन को एन ई से डिनोट करते हैं, सोडियम को एन ए से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को एम जी से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम को ए एल से, सिलिकॉन को एस आई से, फॉस्फोरस को पी से, सल्फर को एस से, क्लोरीन को सी एल से, आर्गन को ए आर से, पोटेशियम को के से और कैल्शियम को सी से। ये हमारे कुछ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जिनको ऐसे डिनोट किया जाता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं जिनका नाम है दिमित्री मेंडलीव। यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी पीरियोडिक टेबल दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इन्होंने जो एलिमेंट्स दिए थे उन्होंने एटॉमिक मासेस के ऊपर दिया था। फिर उसके बाद में आए थे मोजले जिन्होंने एटॉमिक नंबर पे बताया था, और ये मोजले की पीरियोडिक टेबल हम लोग फॉलो करते हैं आजकल। मेंडलीव ने इसका तरीका बताया था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इस प्रकार ही बन सकती है, ठीक है। उससे पहले बहुत से लोग आए थे बट उन्होंने क्लियरली इसको बता नहीं पाया था। रदरफोर्ड वगैरह, मेंडलीव वगैरह आए तो इन्होंने बताया, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई और उसमें बताया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि जो ये एलिमेंट्स दिए हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इनके एटॉमिक मास के बेस के ऊपर होंगी। बट उसके बाद में मोजले उन्होंने कहा नहीं, एटॉमिक मास के ऊपर नहीं, एटॉमिक नंबर के ऊपर होंगी। ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में यहीं तक, और आगे के वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल, एंड ऑलवेज यूज सैनिटाइजर एंड वियर मास्क इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड द होम, एंड कीप अ सोशल मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस टू अवॉइड कोरोना वायरस और डिसइनफेक्टेड डिजीजेज विच आर गोइंग टूडेज। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट Do not move outside in hot sunny day just after 10 a.m. I think the child who are below 18 years, they should have to be inside home. Okay, thank you.